जे कहा जावे कि कैप्टन साहब ले मुख्यमंत्री बन ते मोदी साहब ले प्रधानमंत्री बन लोकां दियां उम्मीदां ते खरा उतरना आसान है तां इह बिल्कुल भी सही नहीं है क्योंकि मौके दे पंजाब दे हालात बयान कर रहे ने कि कैप्टन साहब ने लोकां नाल कीता एक भी वादा पूरा नहीं कीता ते मोदी सरकार दियां मारू नीतियां तो लोक नाखुश ही नजर आउंदे ने लोक लगातार हैरान परेशान हो रहे ने जिसका ही नतीजा है कि आम लोगों तो बाद हुण बारी बारी सरकारी कर्मचारी भी मैदान च उतर रहे ने ते हुण ओह पंजाब सरकार नू छड केंद्र सरकार नू निशाना बना रहे ने जी हाँ जिथे बीते कल पूरे भारत दियां बैंकां ने एक दिन की हड़ताल की उत्थे ही पंजाब च भी इसका असर देखण नू मिलिया जिसके चलदे बठिंडा च बैंक हड़ताल के दौरान बैंक कर्मियों वालों अपनी मंगा नू लैके केंद्र सरकार के खिलाफ जबरदस्त नारेबाजी की गई देखो जिस बाबत जानकारी सांझी करदिआं पवन जिंदल सैकटरी बैंक फाउंडेशन पंजाब ने कहा कि हर वर्ग का मुलाजम केंद्र सरकार ते राज सरकार दीआं नीतियां तो परेशान है अते किसे नूं भी उसका हक नहीं मिल रहा जिसके चलते आने वाली 8 जनवरी नूं पूरे भारत विच इस आर्थिक नीतियां दे खिलाफ फिर वड्डी हड़ताल की जाएगी पवन जिंदल सैकटरी पंजाब बैंक फेडरेशन अज आल ओवर इंडिया दे विच आल इंडिया बैंक इंप्लॉइज एसोसीएशन वालों ते बैफी वालों एक दिन की संकेतर हड़ताल की जा रही है जिन्हां विच साडे मुख मुद्दे इथों दीआं सरकारां दे बैंकां दा मर्जर है बैंकों का रिफॉर्मज है बैंकों में रिक्रूटमेंट कर जो NPA की रिकवरी है लगातार अं देखते हैं मीडिया में भी आ रहा है इतों के लोन लैके बड़े कारपोरेट घराने जोड़े है वो लोन नहीं दे रहे लोन देने नाल नाल वो फॉरन में भज रहे हैं उन्होंने खिलाफ क्रिमिनल एक्ट लागू किया जाए उस ही असं देखते हैं बैंक लगातार सर्विस चार्ज बढ़ा रहे हैं वो सर्विस चार्ज के खिलाफ लोगों की सपोर्ट के लिए यह हड़ताल है लगातार अं देख रहे हैं भी बैंकों के डिपोजिट का रेट ओपन टस्ट क्योंकि यह लोन कारपोरेट घराना देना चाहते हैं उन्होंने जो रेट ओपन टस्ट है घटाने के लिए जो बैंकों का डिपोजिट है वह जो रेट ओपन टस्ट है वह घटा रहे हैं साड़ी मंग है भी वो रेट ओपन टस्ट बढ़ाया जाए उसके खिलाफ एक दिन की हड़ताल जी है संकेत आल ओवर इंडिया की जा रही है जे इस तो बाद जड़ियाँ ये मंगा ने जड़े इशू ने इन्हों के खिलाफ इतों की केंद्रीय सरकार कोई एक्शन नहीं लेंदी क्योंकि असं देखते हैं भी जदों की मोदी सरकार आई है सिर्फ कारपोरेट घरानों चाहे उन्होंने लोन की वापसी है चाहे उन्होंने होर खर्चे ने पिछले समय में वित्त मंत्री ने 176,000 करोड़ रुपया उन्होंने कारपोरेट घरानों इवज वालों आप कही माफ़ी करती उन्होंने कारपोरेट घरान के जो टैक्स से 30% तो 22% टैक्स कर दिता गया जदों के पब्लिक का टैक्स है जोड़ा चंकी तनखा लेंदा वह 30% बचा पर जो कारपोरेट घराने हैं उन्होंने 22% कर दिता गया इस तरह सबसिडियां तो होर देने दे नाल इतों की जी सरकार है पूंजीपतियों के हक भुगत रही है इतों के लोगों लिए या इतों के मुलाजमान लिए कुछ भी देने तैयार नहीं है या इस ही कली केंद्र नहीं है क्योंकि जिस तरह का हालात पैदा किए जा रहे हैं जोड़िया स्टेट सरकार ने उन्होंने भी खजाने खाली होने के नाल वह भी मुलाजमान या लोगों लिए कुछ नहीं दे रहे अज असं देखते हैं भी सारे जिथे वर्कर ने जिथे इंडस्ट्रीज ने जिथे उन्होंने वर्क कम करने वाले ने मुलाजम ने लगातार संघर्ष देते हैं क्योंकि आने वाले समय के पिछले समय के तमाम सेंट्रल ट्रेड यूनियन वालों ये फैसला किया गया भी 8 जनवरी दुनिया वालों इंडिया के एक दिन की संगेतर हड़ताल इन्हें आर्थिक नीतियों के खिलाफ भी की चकदे टीवी नाल जुड़े रहने लई साडा चैनल सबसक्राइब करो वीडियो सब तो पहला देखने लई बैल आइकन ते क्लिक करना ना भुल्यो।